तो ये दे रहे हो तुम शिवाला को? हाँ, हमने इनको ये कवर लगा के दिया। ठीक है, इनके दोनों मोबाइल मैच हो गए ना। जाना है कजाकिस्तान अलमाटी। और ओए ये क्या है? ये एयरिंग है, वो पाउच। इससे किसे मारना है? तुम्हारे लिए रखा ठीक से घूमना हो वहाँ पर। अच्छा, अंदर जाओ पहले। चांद से मुझे शख्सियत है, नफ्स से ऊपर मेरी बेटी की रूहानियत है। मेरी बेटी कैसी है? बिल्कुल परियों जैसी है। अक्रमा ने माशाल्लाह से सभी को गिफ्ट दिए हैं, सबको उसने तोहफे दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही सखी बच्चा है मेरा, बहुत बड़े दिल का है। अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे। कितने दिन बाद आई है, कितने दिन बाद। ये क्या है? ये भी दे दो उसको। ऑन तो करिए। कर दिया। ये इनका कवर है कि ये जो है अब चेंज हुआ है इसका स्टेटस। इसमें एक गुड्डा जुड़ गया है पीछे से। ये दे रहे हो तुम शिवाला को? हाँ, हमने इनको ये कवर लगा के दिया। ठीक है, इनके दोनों मोबाइल मैच हो गए ना। और बोलो क्या बोल रहे हो? ये हमारा निकल रहे हैं ना, हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं कजाकिस्तान अलमाटी। और ओए ये क्या है? ये एयरिंग है, वो पाउच। इससे किसे मारना है? तुम्हारे लिए रख। अभी हम लोग जा रहे हैं कजाकिस्तान अलमाटी और वहाँ से हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह अजरबैजान बाकू, जहाँ हम लोग गए थे जहाँ पे। तो अब हम इनको ले, पहले हम अकेले जाते हैं, फिर उसके बाद हम अम्मा साहबजादी को लेके गए, अब हम इनको लेके जा रहे हैं, फिर उसका इंशाल्लाह सब साथ में जाएंगे वहाँ पे। अरे घड़ी स्टार्ट हो गई है। जा रहे हैं अक्रमा और शमायला वगैरह। हमारा बैग, हाँ ये जा रहा है बैग नीचे। हमारा बैग जा चुका है नीचे और कहाँ जा रहे हैं वो हम बता चुके हैं। अजरबैजान यूरोपियन पार्ट जो है ना उसके अंदर। अजरबैजान वैसे ईरान का पड़ोसी है। ठीक से हम तो वाइजान से जाएंगे। क्रिएटिव चुटकुला था नहीं। सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है जाओ तुम लोग, अल्लाह हाफिज़। हाँ ठीक से घूमना वहाँ पर। अच्छा ठीक से चलो। नहीं अम्मा आप जाइए अंदर, हमारे सामने आप अंदर जाइए। अम्मा अंदर जाओ पहले। तुम क्यों नहीं जा रहे? आप अंदर जाइए ना पहले। मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं अंदर जाइए। The next morning. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बहुत ज़्यादा फजलो करम। और आप सब वेल विशर्स, जो भी हमारे वेल विशर्स हैं उन लोगों की दुआओं से हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये देखिए आपको क्या लग रहा है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। तो जैसा कि आपने देखा था कि अक्रमा और शमायला जो है वो यूरोप जा चुके हैं, कल रात में चले गए थे वो लोग यूरोप। और माशाल्लाह से उनको भी ईदी दे दी थी शमायला को, और जो है बरकात को भी भिजवा दी थी ईदी। अल्लाह ताला सब पे अपना फजलो करम करे और खैर व आफियत से रखे हमारे बच्चों को भी और सबके बच्चों को भी। तो ये जो चीज़ आपको देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये मैंने आपसे कहा था ना कि इकरा के लिए अक्रमा ने माशाल्लाह से सभी को गिफ्ट दिए हैं, सबको उसने तोहफे दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही सखी बच्चा है मेरा, बहुत बड़े दिल का है। अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे अल्लाह ताला, और हासिदों के हसद से महफूज रखे और शर शैतानी शर इंसानी से हिफाजत करे। यही दुआ मेरे जो पापा थे ना वो मुझे दिया करते थे। तो अब मेरे समझ में आता है कि जो मेरी मम्मी थी ना, मम्मी मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि मैं उनसे दूर रहती थी, दूसरे शहर में रहा करती थी। तो बस वो मेरे जो है दिन गिना करती थी कि कब आऊँगी मैं, और मुझे इतना ज़्यादा जब मैं जाती थी तो एक बार तो मैं बहुत दिन में गई थी, करीब 1.5 साल में जा पाई थी उनके पास। तो वो मुझे बस सिर्फ प्यार ही प्यार किए चली जा रही थी। तो मेरे समझ में नहीं आता था उस टाइम, लेकिन अब क्योंकि मैं खुद अल्लाह ताला ने मुझे माँ का दर्जा दिया है
तो जो है मैं समझ सकती हूँ कि मेरी बेटी खुद ही अक्रमा की शादी के बाद से चली गई थी और अभी आ रही है वापस। तो मैंने उनके लिए ये जो है ना ये थोड़ा सा ऐसे ही लिखा था कि चांद से ऊंची शख्सियत है मेरी बेटी की, नफ्स से ऊपर रूहानियत है मेरी बेटी की। मेरी बेटी कैसी है? बिल्कुल परियों जैसी है। वेलकम होम माई वेरी ब्यूटिफुल सोबर एंड सिंसियर बेटी रज़ोई। तो माशाल्लाह से मैं उनको जोई कहती हूँ और अक्रमा जो है वो साहबजादी कहते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए ये साहबजादी लिखा हुआ है, ये लिखा है साहबजादी। वो हमेशा साहबजादी ही कहते हैं अपनी बहन को। अल्लाह ताला दोनों भाई बहनों में ऐसी मोहब्बत और प्यार बना के रखे ता हयात। तो जो है इकरा माशाल्लाह चली गई थी शादी के बाद, और उसके बहुत उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझती हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो इस चीज़ को निभाती भी हैं, और जिस चीज़ को उनके सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं, बरकात भी अप्रिशिएट करते हैं और जो उनकी सास हैं वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं इकरा की इस जिम्मेदारी का, जो उनका मिजाज है ना उस चीज़ को। तो अल्लाह ताला सभी बेटियों को इसी तरीके से बनाए, जिम्मेदार बनाए, और माशाल्लाह अपनी पढ़ाई भी उनकी चल रही है अभी और सब है, मेहनती हैं बहुत ज़्यादा दोनों बच्चे मेरे। तो ये मैंने थोड़ा सा ऐसे ही अक्रमा ने ये उनके लिए गिफ्ट तैयार किया था, और ये चॉकलेट्स वगैरह हैं क्योंकि इकरा खाती नहीं है बस कुछ भी, जो उनका ये है ना कि उन्हें खाना कुछ भी नहीं है, हम लोग ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती उनको सोचते हैं कि दे दें कुछ। ये परफ्यूम्स हैं थोड़े से और कुछ ऐसे ही सामान थोड़ा बहुत है। तो बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ इकरा का, और फ्लाइट उनकी लैंड हो चुकी है, उनका मैसेज आया था, बस जल्दी से आए वो और देखते हैं फिर। ये देखिए, और मैंने ईद का जो व्लॉग डाला है वो आप देख सकते हैं, ईद 2024 सैयद फैमिली, तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा उस व्लॉग को। मुझे उम्मीद है कि वो आपको अच्छा लगेगा। और अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपनी बेटी इकरा का, क्योंकि बेटे बहू जो हैं मेरे यूरोप जा चुके हैं, वो लोग माशाल्लाह से वहाँ पर अपना छुट्टियों को इंजॉय कर रहे हैं। 2000 years later और मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको हमेशा देने वाला बनाए। वैसे भी मेरे अक्रमा इकरा जो है उन लोगों के ये मिजाज में है कि वो कभी भी किसी से कुछ नहीं लेते, बल्कि अपनी ही ज़ात से वो जितना भी किसी के लिए कर सकते हैं वो करते हैं, और अल्लाह ताला उनको हमेशा ऐसा ही रखे, हमेशा देने वाला बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। लेटर दैट सेम इवनिंग कितने दिन बाद रही है बेटी ने? कितने दिन बाद आई है, कितने दिन बाद आई है, बताओ कितने दिन बाद आई है। बहुत दिन हो गया भाई, हम भी अल्लाह ताला अच्छे से पहुंचा दिए बस। माशाल्लाह से एक बार आ चुकी है, अब आया मैंने में देख सकते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि बेटियां रहमत और नेमत होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ मेरी बेटी आ चुकी थी माशाल्लाह से, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरी बेटी आ चुकी है, और अल्लाह का शुक्राना अदा कर रही थी मैं इस बात के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो है वो घर में आ चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह, अब आया पहने में माशाल्लाह से, और तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट तैयार हो गए हैं। अक्रमा ने कहा था कि अम्मा जैसी आए साहबजादी तो फौरन उनको दीजिएगा। अब हम लोगों ने किसी ने भी नहीं खोला ना, हमें मालूम है कि क्या है उसमें। ठीक है, मुझे नहीं पता, तुम खुद खोल के देखो। भैया ने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था कुछ, उसने कहा था कि नहीं कोई भी नहीं खोलेगा, सिर्फ साहबजादी ही खोलेगी। भैया ने ये बोला था। देखिए खोल के आप क्या है इसमें, और फिर आपको कैसा लगता है गिफ्ट। क्या है इसमें, चॉकलेट है क्या? देखिए इधर बैठ जाइए, क्या है ये? पता नहीं भैया ने ऑर्डर किया है, देखो क्या है।
मेहमान को पानी नहीं पिलाया अभी तक, जब से आई है मेहमान। बताइए भाई क्या करूँ, क्या लेके आऊँ बताइए। बिटिया ही नहीं कुछ बोल रही है, हमें जाके भूल गई बिटिया। इकरा देखो इसके अंदर, बाहर देश में इकरा ज्यादा चीजें खाई होंगी, अपने इंडिया के बासी दाल ही में बहुत ज्यादा मस्ती होती है। वो कुछ नहीं खाती, बासी दाल खिलाने कुछ नहीं खाती है वो, उसको खाने पीने का शौक ही नहीं है बच्ची को। ये क्या है? हाँ खुद से देखो क्या है, क्या दिया है भैया ने। ये तो बहुत प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या है ये, असली उसका है क्या? हाँ असली है, दिखाओ पास से। एक मिनट, इसमें तुम्हारा नाम आ रहा है इसके अंदर। कितना प्यारा है ना, माशाल्लाह। नाम अल्लाह ताला पहनना मुबारक करे, और देखो और अल्लाह ताला तुम लोगों को जो है ये सब पहनना नसीब करे, और तुम्हारे भाई को भी अल्लाह ताला जो है वो रखे सेहत के साथ। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। बहुत प्यारा है, पसंद आया तुम्हें? हाँ हाँ अच्छा है, देखिए ना। माशाल्लाह तुम्हारे ऊपर तो बहुत अच्छा लगेगा, लगा के तो दिखाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह वाह। और अस्सलाम वालेकुम, ऐसे इधर दिखाओ। डॉक्टर मैंने मुझे ईद में रिंग दी है जो कि बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। ये तुम्हारी ईद है, ईद है क्योंकि इसके अलावा भी तो अच्छा ईद के अलावा भी। अम्मा की तरफ से शुमाइला की ईद। हाँ ठीक है, और अल्लाह खुश रखे तुम्हें, है ना। I'm out of here.